नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय गरबा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर जंगल में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के अगले दिन ये घटना हुई है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से पुलिस ने नौनट्टा, नागेनी, प्यास और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे कुछ देर बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त बल भेज दिया गया है और आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग जंगल में भीषण मुठभेड़ में दो सैन्य कर्मी हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा के शहीद होने के दो नागरिकों सहित छह अन्य के घायल होने के एक दिन बाद हुई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों से शनिवार शाम मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए थे। दो नागरिकों और चार जवानों समेत छह घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है ताकि दहशतगर्द मौके से भाग ना निकले। हालांकि सेना की ओर से फिलहाल जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने बताया है कि कोकरनाग के एहलान गडोल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों को नजदीक आते देख छिपकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे मुठभेड़ शुरू हुई। गोलीबारी में छह जवान घायल हो गए। उन्हें तत्काल निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान इनमें से दो जवानों ने दम तोड़ दिया। सेना के मुताबिक फायरिंग के दौरान दो नागरिक भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों नागरिकों के आतंकवादियों के साथ कहीं संबंध तो नहीं रहे। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG, सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के जवानों को लगाया गया है। मुठभेड़ शुरू होते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया है। पूरे इलाके में रोशनी कर घेराबंदी की जा रही है ताकि आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। घना जंगल होने के कारण सुरक्षा बलों की ओर से सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की जा रही है ताकि और ज्यादा जानी नुकसान ना हो सके। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।